जय श्री राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल पे। भाई आज का टॉपिक है जो वीर बुलाकी को लेके है। आज के समय में ज़्यादातर जो बंदे हैं वो एक इस नाम की समस्या से बहुत परेशान है। वीर बुलाकी समस्या नहीं है, ये पूजे जाने वाले देवता है जिनका आगरा के अंदर मंदिर है। इनका इतिहास भी बताऊँगा आज की वीडियो में, ये कैसे चलते हैं और कैसे भेजा जाता है और जो इनको बेचता है उनके साथ क्या हाल होता है और सामने वाले बंदे को क्या क्या चीज़ों की समस्या होती है और इसका उतारा कैसे किया जाता है, कैसे इसका समाधान किया जाता है और क्या चीज़ है ये, कौन इसका समाधान कर सकता है। आज का सारा टॉपिक इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका अपना विकास दिया, अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा, जिसमें हम आने वाले समय में एक NGO ओपन करने जा रहे हैं जिसमें हम गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोते हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उनकी हम हेल्प कर सके। इसमें आपका हम एक सहयोग चाहिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल जितना जल्दी सब्सक्राइब होगा, ग्रोथ होगा, 1 लाख सब्सक्राइब होते हैं हम NGO ओपन कर देंगे। कोई पैसे की हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप हमारी लाइव में जुड़ना चाहते, किसी भी प्रकार की समस्या, कोई क्वेश्चन आपका पूछना चाहते हो, पता करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप बेल आइकन को दबा लीजिए। जब जब हम लाइव आते हैं आप हमारी लाइव में जुड़ के अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। तो लेट ना करते हुए आज का टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, वीर बुलाकी और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में करके जरूर जाना। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। दरबार विकास भगत दादा चाहवे तेरा प्यार हो, दुनिया में ठोकर खाली दादा तेरे। तो भाइयों सबसे पहले जान लेते हैं वीर बुलाकी है कौन। ये गोगा जारवीर जी के पुत्र हैं, जिनको गोगा जारवीर को जब घर से बाहर निकाल दिया गया था तो वो छुप छुप के रात को मिलने आते थे अपनी वाइफ से, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी उस समय पे। तो समाज ने एक बात उठ गई थी कि ये बच्चा किसका, जब गोगा जारवीर जी बाहर रहते हैं घर पे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया था, उस डर के मारे उनकी सासू माँ ने, गोगा जारवीर की माँ ने उस बच्चे को नहर के किनारे गिरवा दिया था। वो बच्चा बहता 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 आगरा के किनारे पहुंचा। वहाँ पे कुछ समुदाय के लोगों ने इस बच्चे को देखा और नहर से निकाला और वहीं से इनका नाम वीर बुलाकी पड़ गया था। आप आगरा में जाके देखोगे तो भाई आगरा के अंदर आज भी जमुना किनारे आज भी इनका मंदिर बनाया गया है, इनका भोग प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे इनके भक्त भी मिलेंगे। यमुना में इनका, पूरे इंडिया में एक यमुना किनारे इनका मंदिर है। अरे पूजे हर एरिया में जाते, हर एरिया में चलते हैं, समुदाय हर समुदाय में, ये मैंने कुंवार समुदाय में पूजे जाते हैं। पर ये ज़्यादातर जो भेजे जाते हैं ये चौकी को बांधने के लिए, पितरों को बांधने के लिए, या फिर किसी का घर का बंधन करने के लिए, या फिर किसी की कोख का बंधन करने के लिए, कोख को गिराने के लिए। ये अकेले कभी नहीं चलते वीर बुलाकी जी, इनके साथ चलती है इनकी बहन, जो भाई जी समुदाय के लोगों ने इनका पालन पोषण किया, सारी चीज़ किया था, इनकी बहन चलती है। जब भी ये किसी को सपने में आके दर्शन देते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, तो उसकी पहचान क्या है, उनकी पहचान है भाई जी ये छोटे बच्चे के रूप में दिखेंगे, छोटे बच्चे के रूप में दिखेंगे। दूसरे भाई ये जब भी आएंगे ये आपको लालच देंगे, या फिर आपको गंदा पानी, नहर दिखेगी पानी की, छाती में जलन होगी, आपके चेस्ट के अंदर आपके जलन होगी। और भाई जी जब ये चलते हैं, किसी पे भेजे जाते हैं, तो भाई ये लालच भी देते हैं, ये मारण क्रिया के लिए भी भेजे जाते हैं। छोटा सा बच्चा भी दिखेगा, अगर आपको बड़े में दिख रहा है तो बड़ा भी दिखेगा, हाथ में छोटा दिखेगा और एक हाथ में दारू की बोतल दिखेगी। ये हरदम नशे में रहते हैं भाई जी। ये जारवीर गोगा के पुत्र है पर ये कभी भी उनके साथ नहीं चलते, ना जिस चौकी पे गोगा जारवीर चलते होंगे वहाँ पे ये नहीं चलेंगे। और भाई ये गुरु मारण शक्ति है, ये देवता ही है। ये देखो देवता अच्छे, मैं ये नहीं कहूँगा बुरे, देवता अच्छे हैं पर लोगों ने बुरा बना दिया है, भोग देंगे, प्रसाद देंगे, सारी चीज़ के, पर ये गुरु मारण है। ये किसी के गुरु वचनों में नहीं होती है शक्ति, जो इसको भेजता है, जो इसको भेजता, अगर वो इसको गलत में भेज रहा तो उसको चुनौती देता है। एक बार वो जाएगा, अगर सामने वाले की चौकी मजबूत है, सारी चीज़ के वो है, तो उसको वापसी भेज देगा। फिर वो कहता है कि तू दोबारा जा, मेरा काम करके आ, तेरे को करना होगा, तो ये फिर जाएगा, फिर वो वापसी भेज देगा। तो क्या होता है कि जो पहले से लगा के, जो बंदे चौकियाँ नहीं लगाते, कहीं गुरुमुख नहीं है और घर पर किसी चीज़ का पैरा नहीं हो, वहाँ पर ये पूरा असर डाल देता है। और पर जहाँ पर इसकी पार नहीं चलती, वैसे पारी हर जगह चला लेता है, जहाँ इसकी पार नहीं चलती वहाँ क्या होता है, वहाँ एक वापसी गुरु के पास आता है। गुरु ने कितने भी वचनों में क्यों नहीं ले रखा हो इसको, किसी भी वचनों में क्यों नहीं ले रखा हो, ये वापसी गुरु को ही मार देता है, क्योंकि जो बेचता है इसको सबसे पहले मारता है। ये अपने वचनों को सबसे पहले तोड़ता है, किसी के वचनों में चलने वाली शक्ति नहीं है, ये बात पहले से जान लीजिए। अभी सोचो कि मैं बुलाकी, जो भाई बुलाकी की सेवा उठा रहे हैं, जो बुलाकी की सीधी साधना करते, 41 दिन की सीधी साधना है, कोई जमुना किनारे बैठ के होती है, कोई घर पे करता है, इनके मंत्र है भाई जी अलग अलग, जो इनको बुलाते हैं, इनकी सिद्धियाँ करते हैं। अगर आप इनको अच्छे में लेके चलते हो तो ये आपका बार पार भी तार देते हैं, अगर आप इनको बुरे में लेके चलते हो तो आपसे पहले आप ही का बुरा करते हैं। ये कभी किसी के बुरे में नहीं चलते, पर चलाया दिया गया आज के टाइम में, लोग बागों ने भोग प्रसाद देके सारी चीज़ करके। ये भाई जी एक उग्र शक्ति है, उग्र शक्ति कहते हैं इनको, मसानी भी कहते हैं।
वीरबुला की मसाने से भी चलता है। इनके साथ शक्तियाँ कौन कौन से चलती है समझ लीजिए। पहले एक तो मुसलमानी पीर चलते हैं इनके साथ, वीर बुलाकी के साथ। एक इनकी बहन चलती है जो परिवार ने वाल्मीकि समाज ने इन्होंने रखा था हरिजन समाज ने जो इनके साथ है, तो एक तो वे चलते हैं। दूसरा जो चलते हैं भाई जी माम शमशान काली चलती है इनके साथ, मसानी माँ चलती है। तो अलग अलग रूप में इनके साथ 8 से 9 शक्तियाँ इनके साथ चलती है जिसमें पीर बाबा भी सैयद भी है और इनके शमशान की क्रियाएँ भी शमशान की शक्तियाँ भी इनके साथ चलती है। इनका जो काटन है जो इनको हरा सकता है जो इनको वो कर सकता है, तो ऐसा कोई भगत नहीं जो इनको हरा सके। इनको पूजा जा सकता है। अगर किसी के घर पे छोड़ दिया गया या किसी के बुरे के लिए छोड़ा गया है तो इनको खुश करके इनको पूज के इनका स्थान देके तो वहाँ पे इनकी पूजा पाठ इनके होली दिवाली है डेली भोग नहीं मांगते आपसे सारी चीज़ की, आप मुझे डेली भोग दो या मुझे वो करो। इनका होली दिवाली पे भोग निकलता है या खाली दिवाली दिवाली पे आप इनका भोग निकाल सकते हो। इनका भोग प्रसाद भी अलग अलग तरीके से चलता है भाई जी, कहीं इनकी सिगरेट चलती है, कहीं मुर्गा चलता है, कहीं अंडे चलते हैं। ये भाई तामसिक शक्तियाँ है, तामसिक रूप से ही ये चलती है। हम इनको बोलेगी सात्विक रूप से लेके चले तो ये सात्विक रूप से नहीं चलेगी, तामसिक रूप से ही चलेगी ये शक्तियाँ। ये हरदम नशे में रहते हैं, दारू के नशे में हरदम रहते हैं। दारू इन पे चलती है, लड्डू इन पे चलते हैं, पतासे इन पे चलते हैं, सिगरेट इन पे चलती है, लौंग इन पे चलते हैं, अंडे इन पे चलते हैं, मांस मदिरा इन पे चलती है। पर ये सबसे पहले अपने उस गुरु को ही मारती है जो गुरु इनको भेजता है किसी गलत के लिए, क्योंकि कोई भी शक्ति अगर उसे आप गलत करवाओगे तो सबसे पहले आप ही को मारेगी। आप कितने भी बुलाकी की जो चौकिया है, या तो वो चौकिया अच्छी होगी या फिर होगी बुलाकी, जब किसी के घर पर भेजा जाता है, जब कहीं पर भेजा जाता है, तो अगर उसके घर के देवी देवता, अगर उसके घर में चौकी नहीं लगती, अगर वो एक अच्छा भगत नहीं है, मतलब मान के चलो सामने वाले किसी के पास भेजा जा रहा है वीरबुला की, तो वो अगर चौकी नहीं लगाता, मान के लोग चौकी नहीं लगाता, तो नॉर्मल अपनी पूजा पाठ करता, उसके पास किसी भी देवी देवता का वो नहीं है आशीर्वाद, खाली वो अपने पितरों को लेकर चल रहा, पितर उस पर सारी चीज है और उसको किसी गुरु का हाथ नहीं है। आजकल नई नई शक्ति ऐसी हो रखी है भाई, हर कोई शक्ति का लेके बैठा, किसी ना किसी चीज़ का ज्ञान लेके बैठा है। तो अगर उसके ऊपर इसको भेज दिया जाए जिसके गुरु का हाथ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस घर के कुल देवी कुल देवता उनके पितरों को सबको साइड कर देता है, क्योंकि जहाँ ये चलता है तो अगर उस घर में जागृत देवी देवता नहीं है तो सबको साइड में कर देता है, क्योंकि एक शमशानी शक्ति के रूप में चलता है। यमुना किनारे आपने देखा होगा कई जगह यमुना किनारे पे अंतिम संस्कार भी किया जाता है, तो एक शमशान की तरिया कार्य करता है, एक शमशान की तरीके से इनका वो होता है। ये सबसे पहले उनको साइड में कर देता है, साइड में करने के बाद उस घर में अगर बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसका वो कर देता है। अगर बच्चा 2.25 महीने का है, अगर बच्चा 2.25 महीने का है तो 2.25 महीने के बच्चे को भी खराब कर देता है, उससे ज्यादा को तो नहीं होता, पर 2.25 महीने तक का इसका असर रहता है कोख के ऊपर, तो उस बच्चे को भी ये खराब कर देता है 2.25 महीने तक के बच्चे को, जिसका अन्न वगैरह ग्रहण नहीं होता, सही चीज का नहीं होता। ये ज्यादातर जो भेजा जाता है ये घर को बंधन के लिए भेजा जाता है, ये चौकी की तरह कार्य करता है कि भाई किसी के घर पे चौकी भेज दी, मसानी भेज दी, मसान क्रिया कर दी, ये उस तरीके से कार्य करता है। इसकी पहचान बहुत नॉर्मल जो भक्ति भी नहीं करता वो भी इसकी पहचान कर सकता है कि ये बुलाकी है क्या क्या नहीं। जब बुलाकी आता तो आपका एक हाथ ऐसे पूरा तरह हिलने लग जाता है, ये हाथ हिलता रहेगा जब तक इनकी सवारी रहेगी, हाथ हिलता ही रहेगा, वीर बुलाकी की ये पहचान है। जिसको इसकी काट नहीं पता, इसका वो नहीं पता, तो इसको भाई जो काट सकता है, हटा सकता है, खुश कर सकता है, वो खुद शमशान की क्रियाओं का माहिर होना चाहिए, शमशान की क्रियाओं में माहिर होना चाहिए, शमशान से ही ये सारी चीज़ें चलती है और शमशान में ही इनको रोका जा सकता है। माँ शमशान काली का भगत होना चाहिए, जिनके अंडर पूरा शमशान जिसने जगा रखा होगा, जो भगत शमशान को जगा के चल रहा होगा वही इनको रोक सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं कि वीर बुलाकी को रोक दे, क्योंकि इनके साथ पीर सैयद भी चलते हैं और माँ शमशान काली भी चलती है, माँ मरगट काली भी चलती है और माँ चौकचुराए वाली भी इनके साथ चलती है। हर शक्तियाँ इनके साथ चलती है और इनकी खुद की बहन है जो वो भी चलती है। जो आपने देखोगे वो जो बहन चलती है सारी चीज़ का गलती है, वो गलत कार्य करती है, आदमी को सपने में दिख के गलत गलत चीज़ें आपको दिखाती है कि मेरे साथ गलत हरकतें हो रही है, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। सपने में आपको गंदा नहर, गंदा पानी, गंदा जल बहता हुआ पानी दिखेगा, दारू की बोतलें दिखेगी, मुर्गा दिखेगा आपको सपने के अंदर। आपको लालच भी दिया जाएगा कि तू मुझे पूज, मैं तेरे को ये चीज़ें दूंगा, क्योंकि जिसने अगर आपके घर में भेजा इसका पार नहीं चली, आपके घर में देवी देवता थोड़े मजबूत थे, आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ था, तो आपसे उस गुरु को मार देता, फिर आपके पास आ जाता कि मुझे पूजो होगा। नहीं आपको पूजना तो इनका उतारा किया जाता भाई, इनका उतारा जो जाता है वो जमुना किनारे ही जाता है, आप इनका उतारा कहीं और नहीं रख सकते कि मैं बोलो मैं तो गंगा के वो रख के आ गया या फिर मैं अपने घर पे किसी से आसपास की नहर पे रख के आ गया, नहीं, इनका किनारा जो होगा वो जमुना के किनारे होगा। इनका उतारा मंगलवार के दिन होता है, इनका दिन शनिवार का होता है, इनका जो दिन है वो शनिवार का दिन होता है, इनका उतारा जो होता है वो होता है भाई मंगलवार को सुबह के टाइम 12 बजे से पहले पहले, यानी इनका उतारा शाम को होगा नहीं, इनका उतारा सुबह के टाइम होता है। इसके उतारे में एक नारियल पानी वाला चलता है, 2 सिगरेट चलती है, 5 लड्डू चलते हैं, 7 प्रकार की अलग अलग मिठाई चलती है और भाई एक अंडा चलता है जो तामसिक क्रिया इसमें चलती है, जो आप है
तामसिक अगर आप तामसिक तरीके से इसको उतार सकते हो, अंडा चलता है, फिर आप दारू की बोतल दे सकते हो। उसमें करना क्या है, आपको पूरे एंटी क्लॉज वाइज घुमाना है। उतारा एक तो होता है सीधा गड़ी की तरह घूमता है, ऐसे नहीं उतारना होता है इसको, इसको उल्टा घुमाना होता है। सीधा नहीं घूमेगा ये, जिस पे उतारा करना है उस पर उल्टा घूमेगा। उल्टा घूम के ये सारी चीजें आपको बिना बोले बिना कुछ किए आपको जमुना के किनारे जाना। जमुना के किनारे जाके इनको रख के आना। रख के आने के बाद ये नहीं कि आप रख के आए, जो आप सिगरेट लेके गए थे उन सिगरेट को जला के आना है वहाँ पे। बिना जलाए वहाँ से मत आना, सीधा अपने घर पे आना है। घर पे आने के बाद हाथ मुंह धो के आपके घर के अंदर आना। जब प्रवेश करना आप देखोगे आपके घर में आराम लगना भी स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीज़ का आपको आराम भी लग जाएगा। जब कोई गलती हो थोड़ा बहुत तो आपका रह गया हो चुक, तो आप ये इतारा एक से दो से तीन बार आप कर सकते हो। जमुना किनारे ये चीज़ जाएगी और तीसरी बार तक ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। ये जमुना किनारे ही इनका उतारा जाता है। जमुना किनारे इनको भोग प्रसाद देके खुश करके इनको स्थान दिया जाएगा वहाँ पे। ये मत सोचो कि हमने वो हरा दिया या हमने वो कर दिया, ये हराने वाली शक्तियों में से नहीं है। अकड़ में चलती है, अकड़ में सारी चीज़ें रहती है। इनको उतारा, इनका स्थान देके इनसे प्रार्थना करके इनको उतारा जाता है। ये बड़े ये देखो देवता गलत नहीं है, ना इनकी सोच गलत है, ना इनका कुछ है। पर कहते हैं ना आज के टाइम में लालची लोग बहुत हो गए हैं भाई जी अपने लाच के। अच्छा इसको जो बेचता उसको ये पता कि मैं इसको बेच तो रहा हूँ, ये आखिर में आगे मेरे ही वार करेगा, मेरे ही जान लेगा जो इसको बेचता है। उनको पता होता है शक्ति अच्छी है। अगर ऐसी शक्ति हो तो लोगों के बाद दूसरे का बुरा करने से भी सोचेंगे, दूसरे का बुरा करने से भी सोचेगा। जो आदमी का मन भर गया और उन्होंने ये हो कि भाई अब तो मेरा जाना ही है पर इसका नाश करके जाऊंगा, समझ रहे हो। ये बेचता कौन है कि आपका कोई आसपास का दुश्मन बैठा है, आपका आसपास का कोई दुश्मन बैठा है कोई ऐसा है, वो आपसे बहुत जलता है। उसने वो देखा मेरा तो टाइम आ गया, आज या कल में मैं कभी भी चला जाऊँ, वो क्या करेगा कि भेज देता है इसको। भेज दिया, भेजने के बाद क्या होगा कि ये तो जा ही रहा है, मेरे को तो लेके जाएगा, मेरा तो समय वैसे भी आ गया। वही क्रिया वो करता है कि मुझे तो जाना ही है, अब इस दुनिया से मुझे प्यार नहीं है, पर अगले का नाश करके मैं जाऊंगा। तो ये उसका तो करेगा, फिर अगले का ऐसी तैसी कर देता है। जब इसको गलत के लिए भेजा जाता है तो ये उल्टा उस गुरु को ही खा जाता है जो इसको बेचता है। तो क्रिया थोड़ी अलग है सारी चीज़ का। वो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आज आपको जानकारी दी आपको पसंद भी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाऊंगे तो आपको नई नई जानकारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। नई नई विषय में मैं आपके लिए टॉपिक लेके आता रहूंगा। मैं आपका अपना विकास दिया दिल्ली दरबार से नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने कुल देवी कुल देवता को जागृत करके चलो। अपने इष्ट को बिल्कुल मत बोलो पितृदेव हमारे घर का ताज है ही, आज मावस का दिन है, सबसे अपने पितरों की सेवा करो। तो अपने पितरों को जागृत करके चलो भाई जी, यही चार शक्तियाँ जो आपको लेके चलिए। जागृत करके चलते हो, किसी गुरु को हाथ लेके चलते हो तो कितने भी कोई क्यों नहीं शक्ति आ जाए वो आपके कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि गुरु आपको रास्ता बताता मार्गदर्शन करता है। जिनके पास पहले आ रखी है तो उनको हटाने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है भाई जी। गुरु भी एक ऐसा होना चाहिए जो इनको हटा सके और फिर उस चीज़ को ना लेके दूसरी शक्ति को आप साथ लेके चल सकते हो, क्योंकि इनको खुश करके ही इनको हटाया जा सकता है, वैसे इनको नहीं हटाया जा सकता। ये कभी भी कोई भगत के सामने आते तो आके दिखाने लग जाते हैं मुझसे बड़ा कौन है, मुझसे बड़ा कौन है, ये अकड़े खड़े हो जाते हैं। तो हटाने के लिए भी दम चाहिए भाई इनको। हर किसी को हटाया नहीं जा सकता है, हर किसी को कोई हटा नहीं सकता। अगर चौकी बिना गुरु के शिष्य आजकल चौकियाँ लगाते हैं, कहीं से दृष्टियाँ मिली कर लिया तो उस चौकियों को बांध दिया जाता है। तो ऐसी आप वो ना करो, मैंने जानकारी जो दी है बिल्कुल आपको जेन्युइन जानकारी दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई विषय के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, हर घर महादेव। बोलो सच्चे दरबार की जय।